अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी उरूज दानिश। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और आज का सीन कुछ इस तरह है, हमारी रवानगी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर आफियत से जाएं, खैर आफियत से वापस आएं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सफ़र शुरू हो गया है, व्लॉग लास्ट व्लॉग यहीं से ही हमने एंड किया था और नया व्लॉग यहीं से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस अभी बस निकल रहे हैं हम लोग, रात के 3:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बस अब हम निकल रहे हैं। 2:30 बजे का सोचा था निकलने का, अब हो गया है 3:30। तो बस अभी इरादा यही है कि नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, और कब तक के चलेगी ये नहीं पता। दानिश का इरादा है कि नॉन स्टॉप पिंडी तक के ले जाने का, लेकिन स्टे कर करके आधा घंटा एक घंटा आधा घंटा ऐसे स्टे करके हमें डायरेक्ट पिंडी लेकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और बस व्लॉग को स्टार्ट यहीं से करते हैं, आगे आप लोगों का सीन दिखाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा। मिराल को तो मिला ही नहीं आप लोग। मिराल की तबीयत थोड़ी सी डाउन सी हो रही है, ये जब से सोकर उठी ना थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो चलें आगे का आप लोगों को सफर दिखाती हूँ, हम क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं। तो लेट्स गो। चलें जी, यहाँ अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर, और क्यों रुके हैं इसलिए और यहाँ पर सीट की थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है, सब मिलकर सीट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि आराम से हो सके इंशाल्लाह। लग रही है सर्दी, तो चलें बस अब यहाँ से निकलेंगे। हैदराबाद हम लोग पहुँच चुके हैं, और हुलिया कुछ इस तरह है, देखते हैं आप कौन सा स्टेशन होता है रुकने का, तो वहाँ मिलते हैं। चलें जी, यहाँ अभी हम पहुँचने वाले थे सक्कर। मेरी गाड़ी भी नोकिंग कर रही है लेकिन चल रही है। अभी हमने वो तो बंद हो, पीछे एक पेट्रोल पंप था, पता नहीं क्या पेट्रोल डाले, गरीब फजूल पेट्रोल का डीजल का, तो डीजल तो नहीं डाल दिया गई, वो हमने अपनी गाड़ी में डलवाया, अपनी गाड़ी में भी और उमर भाई की गाड़ी में भी। तो उमर भाई की गाड़ी नॉकिंग करते करते वो बंद हो गई है, और हमारी गाड़ी तो थोड़ी हैवी है जिसकी वजह से थोड़ा सा सरवाइव कर रही है, लेकिन नॉकिंग कर रही है, मतलब नॉकिंग मतलब वो उसमें आवाज़ आ रही है, आवाज़ आते आते वो उसने बंद कर दी, मतलब बंद हो गई गाड़ी। तो उमर भाई की गाड़ी पीछे खड़ी है, बड़ा मसला हो गया, मतलब इतनी बुरी नज़रें लगी हुई, अल्लाह माफ़ करे लोगों की, के बंदा क्या बोले, हजम नहीं होती है यार किसी को कोई चीज़ के। इंसान कहीं घूमने जा रहा है, कहीं खुशी मना रहा है अपने बच्चों को लेकर, लेकिन खैर है भाई, है कुछ लोग ऐसे हैं जो नज़र लगा देते हैं भाई। तो बस अभी हम शेल के पेट्रोल पंप आए हैं, थोड़ा सा हम, मैं और दानिश, हमारी फैमिली अपनी गाड़ी को लेकर, के उनके साथ आप हमारे साथ चलें और उनकी गाड़ी को ज़रा चेक कर लें, और उनका उनकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो निकाल दें। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। ऑलरेडी हम 2 आवर लेट हो चुके हैं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलें दानिश भी बात कर रहे हैं, उसके बाद जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई बाहर नहीं उतरेगा, बिल्कुल नुक्कड़ पे गाड़ी खड़ी है, नुक्कड़ सही है। मामा चाचू तो वापस चलो, मैं अपनी गाड़ी बंद नहीं कर रहा। चलें जी, लोग तो आ गए हैं, अब देखें क्या होता है, अल्लाह मियां सही हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। हाँ अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग होते हैं, पता नहीं कैसा पेट्रोल डाल दिया कि जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई। खैर बस अल्लाह मियां ये सही हो जाए, और हम खैर आफियत से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ और इंजॉय करें। बस चलें जी, अब सब कुछ सोचने समझने के बाद पेट्रोल गाड़ी में से निकाला जा रहा है, और देखें क्या होता है पेट्रोल गाड़ी से निकालने के बाद। तो जी भाई, यहाँ से कुछ इस तरह है कि उमर भाई की गाड़ी हो गई है बिल्कुल ख़राब, और उसको हमने करवा ली है पल्टी, बड़ी कोशिश करी कि वो बन जाए, कुछ हो जाए उसके साथ,
लेकिन वो उसने बोला भाई मैं टाटा बाय बाय हो गई हूँ, तो हमने उसको करवा दिया बेटी। अभी बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया कि यहाँ से अब हम अभी सब घर भी सही से नहीं पहुँचे थे कि ऐसा कुछ सीन हो गया, तो बस अभी सीन कुछ इस तरह है कि बस अब हमारे साथ उमर भाई की फैमिली भी जा रही है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं, पीछे सारा सामान रख दिया है। उमर भाई की गाड़ी तो बिल्टी हो गई, बिल्टी करवा दी कराची, तो वो गाड़ी बिल्टी हो गई है कराची के लिए, वहाँ जाकर जो दूसरी वाली आई। और यहाँ पर हमने और भी गाड़ियाँ मंगवाई के चलो भाई हाई रूफ या हाईएस वगैरह करवा लेते एक साथ ही चल जाएंगे, लेकिन वो अपने दो चार लोगों को भी भेज रहे थे तो वो बड़ा मसला हो रहा था। फिर आखिरी हल यही हुआ कि हम उमर भाई की फैमिली को ही साथ ले जाएंगे और इस्लामाबाद तो फिर वहाँ से मेरे बहनोई हैं उनके जान पहचान है वहाँ पर, तो वहाँ से गाड़ी हम हायर कर लेंगे, तो ऐसा कोई सीन हमने सोच लिया। अभी सारा एडजस्टमेंट हो रही है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दुआ में याद रखिएगा भाई, बहुत मुश्किल सफ़र हो गया, बहुत एडवेंचर्स हो गए हैं हमारे साथ, कल रात कल दोपहर से एडवेंचर 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 हो रहा है, तो दुआ में याद रखिएगा। और चले मैं आप लोगों को सामान और सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। चले जी, यहाँ हमने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, ये देख सकते हैं यहाँ मैंने बैग रख दिया है, यहाँ ब्लैंकेट से बेड टाइप बना दिया है, यहाँ मिश्री बैठी है और यहाँ सारा हमारा गार्ड जो है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के हम गार्ड को लेकर आ गए थे साथ, तो ये गार्ड सारी चीज़ें सेट कर रहा है, यहाँ हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है और इंशाल्लाह जो होगा आप लोग। चले जी, यहाँ सब सेट हो रहा है और आप लोगों को लाकर दिखाती हूँ मैं। यहाँ ये सक्खर से पहले का कोई इलाका है, रानीपुर के बाद का इलाका है और ये सक्खर से पहले का इलाका, बीच का हिस्सा है कोई, तो ये है सब। और यहाँ सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक बड़ी गाड़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र सब सेट हो गया। रात बहुत हो गई थी, रात बहुत तो नहीं होती, 9-10 बज गए थे तकरीबन सोते सोते, और ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को दिखाती हूँ। नॉर्मल सा होटल था, इतना ख़ास होटल नहीं था, बस रात गुजारी है हमने, और सुबह फिर हम लोग लग गए कि भाई गाड़ी कोई अरेंज हो जाए, लेकिन गाड़ी नहीं अरेंज हुई, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम रही। लेकिन अब ये है कि जैसे कि मैंने बताया था, हमने की कोई जान पहचान है वहाँ पर, उनके दोस्त वोस्त हैं, तो वो वहाँ पर गाड़ी अरेंज करवा देंगे इंशाल्लाह। नंबर वगैरह भी पास कर दिया था कामरन भाई ने, तो यहाँ से शाम बाद जाएंगे, वहाँ से एक और गाड़ी करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे का सफ़र दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम बस अब निकलते हैं। हाँ बच्चे अपना गाड़ी में बैठे हैं, इंशाल्लाह साहब ने ज़्यादा कुछ नहीं पहना, दो ही हुडी पहनी हुई है, सर में दर्द ना हो जाए, मनाल को हमने बाबू बना दिया। इफ्रा कैप पहनो ज़रा। चलिए अब यहाँ आ जाएगा गार्ड और यहाँ सामान है, ऐसे रख दिया है सामान तरीके से हमने। चलें जी अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से, यहाँ लैपटॉप वगैरह रखा है, बैग रखे हैं मेरे, रोशनी देते हुए इस गाड़ी के पीछे लेकर आ गए कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलते जाएं हम लोग। ये देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब सही है बैठ जाए, इसके पीछे आ जाओ। चलो लेकिन यहाँ स्टे होता है या मुल्तान जाते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कैसा होता है मैं बताती हूँ। तो जी अभी हम पहुँचे हैं अलीगढ़, मुल्तान नहीं जा सके क्योंकि मुल्तान जाने के लिए फोग का सामना करना पड़ता है, और फोग मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसी फोग है। तुम क्या लोगी? अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, तो और फोग ऊपर बैठो, फोग ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम नहीं जा सके मुल्तान की साइड, बस 100 किलोमीटर दूर था और मोटर पे बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। अभी हम खाना खाने के लिए बैठ गए सारे और यहीं पर ही हमने होटल लिया,
और सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक के हम लोग निकल जाएंगे और एडवेंचर्स का सामना करते हुए। तो खैर है, चलो अभी हम खाना खाते हैं। फिर फिलहाल आप क्या खाएंगी? चलो जी, हाँ अब हम लोग खा रहे हैं खाना। इंशाल्लाह ने बर्गर मंगाया था, मेरा बर्गर। चलें जी, सूप भी नहीं है, अब सूप पीते और फिर खाना खाते। कौन मिर्ची? कौन चले जी, ये हमें होटल मिला है, उसका रूम ऐसा है, एक बेड ऐसे मिला है, एक बेड, दो बेड ऐसे हैं, तो इसको हमने अभी एडजस्ट कर लिया। आ जाओ आ जाओ, फिलहाल के लिए हमने रात गुजारनी है और नेट क्या करें, चाल को नेट नहीं मिला, नहीं तो क्या करें, नेट नहीं मिलेगा तो क्या करें, जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ख़त्म हो जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करूँगी मैं तो कहाँ पर? अच्छा मनाल दे दो, हैंड वॉश वगैरह उसको दे दो। तो खैर अब अच्छे अच्छे सब चेंज कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ। हम प्रो हैं, हमने कर लिया, कर लिया ना, कर लिया। ले अकेला मेरा बैग है, मैं सो बस अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं और मुल्तान के करीब ही हैं। इंशाल्लाह कल का पक्का पक्का वाला प्लान है कि बस शाह बाग पहुँच कर गाड़ी हायर करेंगे और भाई उस गाड़ी में जाएंगे और हम लोग इस गाड़ी में आगे का सफ़र तय करेंगे इंशाल्लाह, जो सोच कर आए हैं वहाँ तक के पहुँचने के लिए। तो देखते हैं कितना करामत होती है ये सब चीज़ें हमारी, एडवेंचर पे एडवेंचर, एडवेंचर पे एडवेंचर जो रहा है हमारे साथ। इतनी धुंध के बयां करना मुश्किल है कि दो तीन दफ़ा तो ऐसा हुआ कि गाड़ी अब लगी तो कब लगी, ऐसा हो रहा है चिंता। तो खैर बहुत थक गए, इनफ हो गए, ये कपड़ों से भी दिल भर गया। अब बेचारे मैं चेंज करूँ, लेकिन अब मैं नहीं, अब मैं चेंज नहीं कर, हाँ मुँह बहुत गंदा हो रहा है इसका। तो अब रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।